किस फिल्म से इंस्पायर्ड होगी फिल्म? क्या त्रिदेव होने वाली है हिस्टोरिकल फिल्म? कैसा होगा कैरेक्टर्स का लुक? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। बीते कुछ सालों में हिस्टोरिकल फिल्मों का क्रेज ऑडियंस के सर पर काफी सवार हो गया है। हिस्टोरिकल फिल्मों का क्रेज बॉलीवुड में एक तरह से हमेशा से ही रहा है और आज भी है। जोधा अकबर, पद्मावत और ऐसी कई फिल्में हैं जो कि काफी हिट हुई और हिस्ट्री पर बेस्ड है। इन फिल्मों के हिट होने के बाद से ही फिल्मों में हिस्टोरिकल टच देने मेकर्स बना रहे हैं अपनी फिल्मों को और मसालेदार। इस ट्रेंड के साथ चलने का प्लान अब कर रहे हैं 1989 में रिलीज हुई फिल्म त्रिदेव के मेकर्स। आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे कि बॉलीवुड फिल्म मेकर्स काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं फिल्मों के रीमेक बनाने में, वैसे ही कुछ सोच रहे हैं त्रिदेव के मेकर्स भी। और हम ये भी बेशक कह सकते हैं कि फिल्म त्रिदेव का रीमेक भी हमें जल्द ही देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें फिल्म की कास्ट की, तो इसमें पुरानी कास्ट को ही वापस लाने की प्लानिंग चल रही है, जिसमें से शायद फिल्म की वन ऑफ द लीडिंग एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित हमें ना दिखे, क्योंकि पिछले दिनों ये खबरें आ रही थी कि माधुरी लेना चाहती है अब फिल्मों से संन्यास, और उनको फिल्म ऑफर किए जाने पर भी उन्होंने त्रिदेव के रीमेक को रिजेक्ट कर दिया। और अब ये इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है फिल्म को लेकर, और वो ये है कि फिल्म के मेकर सोच रहे हैं हिस्ट्री के पन्नों से कोई कहानी चुरा के फिल्म का हिस्सा बनाने की। अब ये कौन सी कहानी होगी इसका पता नहीं चल पाया है अभी तक। यहाँ तक कि ये खबरें भी आ रही हैं कि फिल्म की कहानी में झलक हो सकती है और रीमेक हो सकता है तमाश के कुछ सीक्वेंस का। आपको बता दें कि तमाश दूरदर्शन पर रिलीज की गई एक मिनी सीरीज थी जो भीष्म सानी की नॉवल से अडॉप्टेड थी। बेसिकली सीरीज में हिंदू सिख फैमिलीज की पार्टीशन के दौरान हत्या को दर्शाया गया था, यानी फिल्म की थीम भी होने वाली है काफी हद तक मोरल और सीख देने वाली है। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि फिल्म काफी सीरियस स्टोरी पर बेस्ड हो सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मेकर्स इस थीम के सीक्वेंस को कितनी अच्छी तरह से अचीव कर पाते हैं या नहीं। फिल्म के थीम के बाद अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें, तो ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म में आर्टिस्ट के लुक को काफी ध्यान में रखा जाएगा और उनका लुक उसी जमाने के हिसाब से सेट किया जाएगा। कुछ हद तक इनके लुक्स मेल खाएंगे फिल्म केसरी के कैरेक्टर से। अब दर्शकों को इंतजार है तो सिर्फ फिल्म की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट का, जो कि जल्द ही मेकर्स द्वारा की जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि इंटेंसिटी को अचीव कर पाएंगे फिल्म के मेकर्स? हमें बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सेफ रहें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। धन्यवाद।